कक्षा एक के बच्चों सुप्रभात। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी, उसमें चैप्टर 4 शब्द। आप अपना बुक खोलिएगा, उसमें देखिएगा चैप्टर 4 में शब्द है। पहले भी पढ़ा चुके हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्द में जब मात्राएं लगाते हैं तो मात्रा वाले शब्द बनते हैं। यहाँ मैं ये बताऊंगी कि वर्णों के मेल से शब्द बने हैं। पहले मात्रा विहीन शब्द से हम लेते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक वर्ण मिलाते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। अब वो शब्द को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द निरर्थक शब्द। अब ऐसा वर्णों का मेल जो एक शब्द जिसका कोई मतलब हो, अर्थ हो, वो सार्थक शब्द कहलाता है। ये दो भाग में आप लोग याद रखिएगा, सार्थक शब्द निरर्थक शब्द। अब हम कुछ वर्णों को मिलाते हैं जो मात्रा विहीन है। देखिए मात्रा विहीन शब्द जिसमें कोई मात्रा नहीं लिया गया है। जैसे हम वर्णों को किस तरह मिलाएंगे, देखिए क, क में स्वर अ निहित है। जो व्यंजन आएगा उसमें नीचे हलंत की हलंत लगेगा और क इसमें निहित है, इसलिए अ अ लिखा गया है। म अ प्लस ल अ, ये वर्णों को मिला दिए तो बन गया कमल। ये शब्द है क अ जोड़ म अ जोड़ ल अ कमल। ये मात्रा विहीन शब्द है। मात्रा वाले शब्द में अब देखिए हम आ की मात्रा वाले शब्द भी मात्रा विहीन शब्द हो गया आपका, और र जोड़ आ जोड़ ज जोड़ आ, ये आ की मात्रा वाले शब्द हो गया राजा। र आ की मात्रा, ज आ की मात्रा, राजा। इन वर्णों को मिला करके यहाँ शब्द बन गया राजा। अब देखिए आगे ब जोड़ अ जोड़ ग जोड़ ई जोड़ य जोड़ आ, ब जोड़ अ जोड़ ग जोड़ ई जोड़ य जोड़ आ, बगिया। इन वर्णों को जोड़ के ई की मात्रा से शब्दों ने बगिया। ये आ की मात्रा का प्रयोग है इसमें, देखिएगा इसमें ई की मात्रा का प्रयोग है। अब हम पढ़ेंगे ध्री की मात्रा से शब्द अ जोड़ ई जोड़ च जोड़ ई, लीची। अब हम शब्द बना लिए मात्रा लगा करके लीची। इसमें देखिएगा ध्री ई का प्रयोग किया गया है। अब देखिएगा उ की मात्रा से ग जोड़ उ जोड़ ल जोड़ आ जोड़ ब जोड़ अ, गु ला ब गु ला ब गुलाब। गुलाब एक फूल होता है, इसमें उ की मात्रा का प्रयोग किए हैं। दीर्घ उ की मात्रा स जोड़ उ जोड़ ल जोड़ अ, शूल।
ये हो गया आपका सूल। इसमें हम प्रयोग किए हैं दीर्घ उ की मात्रा। इन मात्राओं से आप परिचित हैं। हम शब्द बना रहे हैं, पहले मात्राभिहीन शब्द बनाया गया है, अब उसके बाद आ की मात्रा वाले शब्द जिसमें आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ई की मात्रा का वाले शब्द ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, दीर्घी ई की मात्रा वाले शब्द जिसमें दीर्घी की मात्रा, इस तरह मात्राओं का प्रयोग करके विभिन्न शब्द बना सकते हैं। उससे उस शब्द के बाद हम वाक्य बना सकते हैं कि कहानी लिख सकते हैं। इन मात्राओं को हम ध्यान से देखेंगे और इससे मात्रा वाले विभिन्न प्रकार के शब्द लिखेंगे।